वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। आज अगेन हम लोग एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकला हुआ है आपका, जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया गया है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर, इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी निकल चुका है। जो बच्चे डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है दैट द पोस्ट ऑफ नाविक, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड जनरल ड्यूटी जीडी। क्लियर हो गया, कोस्ट गार्ड का नाविक का और जीडी का दोनों का वैकेंसी निकल चुका है फॉर 2022 बैच, 2022 के दूसरे बैच के लिए आपका कोस्ट गार्ड का वैकेंसी निकल चुका है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कितना से कितना एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसमें आपको बानिक किस प्रकार से हेल्प कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। जो टोटल वैकेंसी इसका निकला है वो निकला, याद रखिएगा, 322 पोस्ट के लिए। क्लियर, टोटल जो वैकेंसी इसका निकला है वो निकला है आपका, याद रखिएगा, 322 पोस्ट के लिए, जिसमें से नाविक जनरल ड्यूटी का याद रखिएगा 112 जनरल कैंडिडेट के लिए, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसके लिए आपका 28 पोस्ट, ओबीसी के लिए 72 पोस्ट, एसटी के लिए 11 पोस्ट और एससी के लिए टोटल आपका 37 पोस्ट। क्लियर, वहीं अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का बात किया जाए तो इसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 12 पोस्ट रहेंगे, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपका 2 पोस्ट रहेगा, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट रहेगा, एसटी के लिए 7 पोस्ट और एससी के लिए आपका 5 पोस्ट। वहीं यांत्रिक मैकेनिकल इसका अगर बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 4 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट और एससी का इसमें कोई वैकेंसी नहीं दिया है। वहीं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का बात किया जाए तो इसमें आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई पोस्ट नहीं है इसमें, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और एससी के लिए आपका कितना दिया है, 1 पोस्ट दिया है। वहीं अगर बात किया जाए यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यहाँ पे जनरल के लिए 3 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है आपका, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एससी के लिए क्या दिया है आपका, 1 पोस्ट दिया है। क्लियर, तो ये आपको बता दिया गया पोस्ट डिटेल, कितना कितना वैकेंसी निकला है, कौन कौन से आपका जनरल कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी निकाला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी का अगर बात किया जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, 10+2 आपका +2 क्वालिफायर होने चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन। सिंपली बोलने का मतलब है कि आपका क्या होना चाहिए, +2 आप क्वालिफाइड होना चाहिए और आपका साइंस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपका +2 क्वालिफाइड है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। वहीं अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का बात किया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए, 10th प्लस क्लास पास फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपका क्या होना चाहिए, सिंपली आप लोग का मैट्रिक क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। ओके, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप क्या होना चाहिए, मैट्रिक क्वालिफाइड होना चाहिए। और वहीं अगर बात किया जाए यांत्रिक, यांत्रिक यानी तीनों आ गया इसमें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों जो हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो 10th क्लास पास फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बोलने का मतलब यह है कि आपका क्या होना चाहिए, आप मैट्रिक क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन का, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसका क्या होना चाहिए आपका, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिकल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, क्वालिफिकेशन होगा यांत्रिक के लिए। अगर एप्लीकेशन फी का बात किया जाए, कितना रुपया चार्ज कर सकते, एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल फीस लिया जा रहा है, याद रखिएगा, ₹250 और एससी एसटी के लिए लिया जा रहा है, याद रखिएगा, आपका नील एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस यहां पे लिया नहीं जा रहा है। क्लियर, चलिए और देखते हैं कुछ इसके बारे में डिटेल। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशन, वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशन फॉर ऑल दिस कोर्स।
यू कैन एनरोल बाय विजिटिंग banikonline.com. banikonline.com में आप लोग जाके क्या कर सकते हो, इसको एनरोल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, आपको ए टू जेड डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा. देखिए ये जो पोस्ट निकला है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन करना, तो 4/1/2022 अगले माने आने वाले साल में 4/1/2022 से आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. और लास्ट डेट है याद रखिएगा 14/1/2022. 14/1/2022 तक आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो. डेट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपका जो होगा वो होगा आपका अगस्त 2022 में. एंड जीडी और यांत्रिक के लिए आपका अगस्त 2022 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा. और डेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ नाविक जीडी का स्टार्ट हो जाएगा आपका अक्टूबर 2022 में. ये आपका ट्रेनिंग होता है याद रखिएगा INS चिलिका, ओके, इंडियन नेवल शिप चिलिका आपका जो उड़ीसा में है वहीं पे आपका इसका ट्रेनिंग भी होता है. मिनिमम टू मैक्सिमम एज कितने से कितने एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से लेकर 22 साल के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं आपका अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपका 18 से लेकर 22 ईयर के जो एज के बच्चे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं. फॉर अपर एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST, जो SC ST लिए उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो दिया गया आपका 5 साल का दिया गया है. और OBC के लिए रिलैक्सेशन दिया गया याद रखिएगा आपका 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में, यानी कि 22 साल है तो यहाँ पे 27 साल तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं SC ST के. और OBC के लिए आपका अगर दिया गया है तो यहाँ पे 18 यानी कि आपका 25 साल तक आप लोग OBC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर हो गया आपका इतना. अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले होगा आपका याद रखिएगा रिटन एग्जाम एक होगा, ओके, रिटन एग्जाम होगा. उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा. और उसके बाद फाइनली आपका क्या जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा इसको क्वालिफाइड करने के लिए. एक तो होगा आपका रिटन एग्जाम, एक हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और एक हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. क्लियर हो रहा है इतना. चलिए और डिटेल देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है. तो जिसके जो रिटन एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, देखिए रिटन एग्जाम होगा आपका सेक्शन 1. तो सेक्शन 1 में आपको मैथ आएगा 60, क्लियर, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और GK 5. क्लियर, सेक्शन 1 के लिए आपका होगा टोटल 60 मार्क का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट. सेक्शन 2 के लिए जो होगा, सेक्शन 2 के जो वैकेंसियां निकली हैं उसके लिए आपका होगा मैथ 25 मार्क का, फिजिक्स 25 मार्क का, टोटल मार्क होगा क्वेश्चन 50 मार्क का, और टोटल क्वेश्चन होगा 50 मार्क, उसको टाइम दिया जाएगा आपको 30 मिनट. सेक्शन 3 यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यांत्रिक इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट निकले हैं उसके लिए टोटल क्वेश्चन रहेगा याद रखिएगा 50 क्वेश्चन, मार्क रहेंगे 50, टोटल टाइम रहेगा आपका 30 मिनट. वहीं सेक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे 50, टोटल मार्क रहेंगे 50, टोटल टाइम रहेगा आपका 30 मिनट का. वहीं अगर सेक्शन 5 बात किया जाए मैकेनिकल इंजीनियर का, तो इसमें रहेंगे क्वेश्चन 50, मार्क रहेंगे 50, टाइम रहेगा आपका 30 मिनट, 30 मिनट का इसमें टाइम रहेगा. अगर सैलरी का बात किया जाए, पे स्केल का बात किया जाए, तो याद रखिएगा नाविक जीडी के लिए याद रखिएगा जो बेसिक पे स्केल है वो है आपका 21,700 से शुरू होगा आपका. नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है वो होगा आपका अगेन 21,700 से शुरू होगा. और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जो भी वैकेंसी निकली है उसके लिए जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा आपका 29,200 से स्टार्ट होगा. क्लियर. अगर और कुछ बात किया जाए तो इसको अप्लाई करने का जो नेट, आप कौन सा साइट से अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो याद देखिएगा joinindiancoastguard.cdec.in, joinindiancoastguard.cdec.in. अब सवाल उठता है कि आप लोग को बानी किस प्रकार से हेल्प करेगा, तो देखिए बानी क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सारे जो कोर्सेस आपको दिखाए गए जितने भी वैकेंसियां निकली हैं उसका क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं याद देखिएगा ऑफलाइन क्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग द ऑफलाइन क्लासेस फॉर दिस ऑल कोर्स. ऑनलाइन लाइव क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल फॉर ऑल दिस कोर्स. यू कैन गेट आवर पब्लिकेशन बुक. अगर आपको क्लासेस नहीं करना है तो हम लोग इसके पास बुक भी है हमारा, इसके पास आप लोग उस बुक को ले सकते हैं, आप उस बुक से पढ़ सकते हैं. और वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज फॉर ऑल दिस कोर्स. क्लियर. सो होप ये जो वीडियो बनाया गया है आपको हेल्प करेगा, आपको पता चलेगा कि कब कब क्या वैकेंसी निकल, आपका जो वैकेंसी निकली है कोस्ट गार्ड के लिए आपको उनका साइट कौन सा है, क्या एज चाहिए, क्या आपका रिलैक्सेशन है, A to Z आपको मैं इस वीडियो में बता दिया. क्लियर. थैंक यू सो मच.